हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मार्केट से हम चने की दाल लाते हैं वो घर पर हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोयल की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, वो इस पेड़ पर बैठी है। मैं आपको जूम करके दिखाऊँगी, तो बस वो बैठ करके बोल ले जा रही है यहाँ पर कू कू। तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, मन को इतनी शांति दे रही है, तो मुझे लगा मैं आपको भी दिखा दूँ। तो देखिए, ये बैठी है कोयल और यहाँ बैठ करके कू कू करके आवाज़ सुना रही है सबको, और मेरे मन को ये बहुत अच्छा लग रहा है, शांति दे रहा है। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ, सो आपको भी दिखा दिया मैंने। और ये चने भिगो करके मैंने रखे थे, रात भर रखने होते, कम से कम 12 से 13 घंटे इनको भिगो करके रखना होता है। और जब ये भीग रहे होते तो बीच में हाथ नहीं डालते हैं, नहीं तो ये गलते नहीं अच्छे से, ऐसा बोलते हैं सभी। तो बस इस तरह से मैंने रात भर रख दिया था, उसके बाद में पानी से अलग कर लिया चनों को और अच्छी धूप में इसने सुखा दिया है। क्योंकि जब तक ये अच्छे से धूप नहीं लगती है, एकदम सूखे सी आवाज़ नहीं आती इन चनों में, तब तक दाल हम नहीं बना पाते हैं, नहीं तो वो दाल टूट जाती है, टुकड़े हो जाते हैं उसके। तो देखिए, बस इस तरह से दाल की आवाज़ आनी चाहिए। तो मैंने सुबह से धूप में सुखा दिया था और शाम के टाइम उठाया, तब इस तरह से आप सुन पा रहे होंगे ऐसी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ऐसे सूखी वाली रूखी रूखी सी आवाज़ आनी चाहिए, उसी से दाल बनती है। तो मैं यहाँ घटी में दाल बनाने वाली हूँ। देखिए, ये चने ले आई हूँ और ये कुछ दाल मैंने बना करके भी रख लिए, तो आप देख पाएंगे अभी ये छिलकों के साथ में है, तो इस तरह से दिख रही है। जब इन्हें झटक करके हम साफ करेंगे तो अच्छे से निकल के आ जाएगी दाल। तो देखिए, बस इस तरह से घटी में बनाते हैं। मुझे क्या मार्केट की दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उसमें एक दवाई की स्मेल सी आती है। हालाँकि उनकी भी मजबूरी रहती है, वो कीड़ों मकोड़ों से बचाना चाहते हैं शॉपकीपर, तो बस इसी वजह से वो दवाई और केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन मैं उन दवाई वाली दालों को बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ अच्छे से धोने के बाद भी। तो चाहे उड़द की हो, मूंग की हो, कोई सी भी दाल हो, मैं घर पर इसी तरह बनाना पसंद करती हूँ, और बिल्कुल केमिकल और दवाइयों से अलग होती है। तो मुझे इस तरह की दालें ही पसंद आती हैं। पता नहीं क्यों मैं मार्केट की दाल बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, चाहे उसे कितनी ही अच्छी तरह से 4-5 बार क्लीन कर लूँ उसे धो करके, उसके बाद भी मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे एक अजीब सी स्मेल उसमें आती रहती है। तो देखिए, इस तरह से मैं घटी में थोड़े थोड़े करके चने डालती जा रही हूँ और इस तरह से दाल बनी है, और काफ़ी अच्छे से दाल बन चुकी है, क्योंकि चने बहुत अच्छे से सूख चुके थे, गर्मी का टाइम है इस वजह से। अगर गर्मी ना हो और सर्दी में बनाते हैं तो फिर उसे हमें 2 से 3 दिन तक सुखाना होता है चनों को। देखिए, ये दाल बन गई है, इसमें जो काले काले दिख रहे हैं वो छोटे छोटे चने हैं, तो उन्हें हमें अलग करना होगा, उसके बाद में बिल्कुल मार्केट जैसी दाल बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने चनों को अलग कर लिया, उसके बाद में इस तरह से दाल रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छे से बनी है, बिल्कुल इसमें टूटे भी नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, क्योंकि चने अच्छे से सूख चुके थे ना, गर्मी के टाइम में चने बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, उसके बाद आप दाल बनाते हैं बहुत अच्छे से बन करके आती है, देखिए इस तरह की। तो ये दाल मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप बताइएगा आपको कैसे लगी। थैंक फॉर वॉचिंग।